चुनावी मैदान में सभी राजनीतिक दल अपनी जीत के लिए चुनावी खीर को पकाने में लग गए हैं। मिशन 2024 के खेल में कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ने वाली है, ये तो चुनावी जंग में ही पता चलेगा। पर अभी जो पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट आ रही है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाली है। ऐसा लग रहा है कि काफी मंथन करके इन सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों पर दांव लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी रविवार को अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इस लिस्ट में एक सीट ऐसी निकली जिसको लेकर सियासी गलियारों में खूब हलचल होने लगी। वो सीट है पीलीभीत लोकसभा सीट। दरअसल भाजपा ने रविवार की रात 111 उम्मीदवारों की पांचवी सूची जारी कर दी। पांचवी सूची में सबसे चौंकाने वाला निर्णय नेता वरुण गांधी का पीलीभीत सीट से टिकट कटना था। दरअसल लंबे समय से वरुण गांधी के टिकट को लेकर चल रही रस्साकस्सी भी इसी पर खत्म हो गई। पार्टी ने इस बार वरुण गांधी की जगह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे जितिन प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब वरुण गांधी के टिकट कटने पर सवाल खड़े होने लगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए आपको पूरा मामला बता दें। वरुण गांधी अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाले नेताओं में से हैं, पर कई मौकों पर उन्हें अपनी पार्टी के खिलाफ ही टिप्पणी करते देखा गया। नए कृषि कानूनों से लेकर कोरोना तक कई मौकों पर वरुण अपनी ही सरकार के विरोध में खड़े नजर आए। ये वजह है जो टिकट कटने के मामले में साफ तौर पर नजर आ रही है। दूसरी ओर ये भी बता दे कि पीलीभीत सीट पर 1996 से ही मेनका गांधी का दबदबा रहा है। मेनका 1979 में जनता दल के टिकट पर इसी सीट से पहली बार सांसद पहुंची थी। 1991 में इस सीट से बीजेपी को जीत मिली, लेकिन 1996 में फिर मेनका को जीत हासिल हुई और तब से अब तक इस सीट से वह खुद या उनके बेटे वरुण गांधी लोकसभा पहुंचते रहे हैं। कई बार बीजेपी ने वरुण गांधी पर भरोसा भी जताया था। पीलीभीत से बेटिकट हुए वरुण का अब अगला कदम क्या होगा, इसे लेकर वरुण या उनके समर्थकों की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है। मगर ऐसी अटकलें उठ रही हैं कि वो अब कांग्रेस के हाथ को थाम सकते हैं या फिर साइकिल की सवारी करके चुनावी मैदान से सबका सफाया कर सकते हैं। मगर ये देखना काफी दिलचस्प होगा। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी।